पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ इसके 607 नंबर के श्लोक पर अपनी चर्चा चलनी है। यहां से अपन अपनी चर्चा प्रारंभ करेंगे। 607 नंबर श्लोक। व्यवहार नए से तत्व वाच्य और निश्चय नए से अवाच्य। पढ़ते हैं, देखो अपन कहां है आज। पढ़ने वाले सब गायब है, मैं ही पढ़ता हूं फिर। तत्त्वं वागति वर्ती व्यवृत्ति मासाध्य जायते वाच्यम गुण पर्याय आदि विवृत्ते प्रसरति तच्चापि सत् साखम। पढ़िए हिंदी, हिंदी पढ़ने वाले भी पढ़िए। प्रीति जी हिंदी पढ़िए। तत्व अगोचर है वाणी से किंतु कथन करता व्यवहार गुण पर्याय भेद से उसका शत शाखा में हो विस्तार। बहुत बड़े तत्व वाक अतिवर्ती तत्व वचन के गोचर है व्यवृतिम आसाध्य जायते वाच्यम। क्या व्यवृतिम आसाध्य वाच्यम जायते तत्व वाग अतिवर्ती तत्व तो वचन क्या गोचर है लेकिन व्यवृत्ति वाच्यम जायते आसाध्य व्यवहार से वाच्य माने व्यवहार से उसके स्वरूप को कहा जा सकता है। व्यवहार नहीं की अपेक्षा से वाच्य वैसे तो तत्व को वचनों से कहा ही नहीं जा सकता। देखो आत्म तत्व अमूर्तिक है, अमूर्तिक आत्म तत्व का मूर्त शब्दों से क्या कथन करें और वचन उसको वर्णन कर ही नहीं सकते। वचनों के पार है, वचनों के अगोचर है, लेकिन फिर भी आप समझने समझाने के लिए हमका पास कोई सहारा तो है नहीं, वचन से ही सहारा है। तो इसलिए व्यवहार से हम वचनों का आधार लेकर और उससे ही समझते हैं। यदि निश्चय कोई पकड़ के बैठे रहे तो समझ ही नहीं सकते क्योंकि तो अवाच्य है, वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। लेकिन फिर भी व्यवहार प्रयोग में हम एक दूसरे को वाणी से समझाते हैं, स्वयं भी समझते हैं क्या। और देखो गुण आदि विवृत्ते प्रसरति तच्चापि सत्साकम। गुण पर्याय आदि से विवृत्ते माने विस्तार होता है उसका, प्रसरति माने फैलता है। गुण पर्याय आदि विवृत्ते गुण पर्याय आदि के विवरण से तच्चापि वह भी सत शाखम सैकड़ों शाखाओं में प्रसरति माने फैलता है। यद्यपि तत्व जो है वो वचनों के पार है, वचन के अगोचर है, लेकिन तो भी व्यवहार से हम उसका कथन करते हैं और वो गुण पर्याय आदि के विवरण से वो अनेक शाखाओं में सैकड़ों शाखाओं में उसका वर्णन प्रसरित होता है, फैलता है। माने गुण पर्याय रूप से हम वर्णन करते हैं तो सैकड़ों शाखाओं में माने सैकड़ों बातें उस तत्व के बारे में हम कह सकते हैं। गुण कैसे हैं, पर्याय कैसी है, कि पर्याय का वर्णन करें, गुण का वर्णन करें, तो शाखा उपशाखाओं में वो ही तत्व बहुत विस्तार रूप वर्णन जाता है, सैकड़ों शाखा रूप वर्णन जाता है। जैसे वृक्ष अनेक शाखा उपशाखा टहनिया फल पत्ते गुच्छे ऐसे अनेक होते हैं ना, ऐसे ही ये जो तत्व है ये भी गुण पर्याय के भेद प्रभेद के रूप में अनेक शाखाओं प्रशाखाओं में फैल जाता है। पढ़िए राज रांगम जाओ। निश्चय अर्थ निश्चय ऐसे तो तत्व वाणी से अगोचर है अर्थात वचन से उसके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते, किंतु वही तत्व व्यवहार ने की अपेक्षा से वाच्य है अर्थात वचन से उसका कुछ वर्णन कर सकते हैं। वह तत्व गुण पर्याय आदि के विवरण से सैकड़ों शाखा स्वरूप में परिणित हो जाता है। गुण पर्याय आदि का विवरण करो तो सैकड़ों शाखाओं में वो परिणम जाता है। देखो आगे चलते हैं।
क्या समझ में आया कि नहीं आया? निश्चय से तो तत्व वाणी के अगोचर है, वाणी के पार है, वचन से हम उसके स्वरूप को कह ही नहीं सकते, लेकिन व्यवहार नहीं की अपेक्षा से बात छे। यदि कुछ भी नहीं कथन कर सके तो समझने समझाने का व्यवहार ही खत्म हो जाएगा और वस्तु की प्राप्ति असंभव हो जाएगी। तो ऐसा भी नहीं है कि सर्वथा अवाच्य है, परंतु वाणी केवल बताने का काम करती है। वाणी बताती है लेकिन बताना जानना अपने को होगा। जैसे उंगली चंद्रमा को दिखाती है लेकिन देखना अपने को होगा, उंगली की तरफ से उंगली को देख के चंद्रमा देखना होगा। ऐसे ये जो शब्द है ये वाचक है तत्व के, तत्व को बतलाते हैं, लेकिन बतलाते हैं लेकिन ये जिसको बतलाते हैं हमें उसको जानना हमें होगा। उसने उंगली जैसा बताया है, समझना हमें होगा। केवल मतलब शब्द से काम नहीं होगा, शब्द जिसको इंगित कर रहे हैं वो वस्तु स्वरूप हमें अपने ज्ञान से समझना होगा। क्या शब्द केवल कथन कर सकते हैं, उंगली चंद्रमा दिखा सकती है लेकिन उंगली खुद चंद्रमा नहीं है। ऐसे वचन वस्तु तत्व का वर्णन करने करते हैं लेकिन वो वचन स्वयं वस्तु तत्व नहीं है। वचन के द्वारा जो बतार्थ बताया जा रहा है उस पर विचार करें अपने ज्ञान द्वारा। सब कुछ खेल ज्ञान का ही है। देखो वही वस्तु वही उपदेश सब भव्य जीव प्राप्त करते हैं सुनते हैं, लेकिन किसी को वही जीव वही बात एकदम अंदर प्रविष्ट हो जाती है, श्रद्धान कर लेता उसका क्या, और वो उसको रत्न त्रय की प्राप्ति हो जाती है। एक ही उपदेश 10 सुनते हैं लेकिन सबको अपने अपने ज्ञान के हिसाब से अलग अलग समझ में आता है। इसलिए वचन से तो वाणी से जो भी हम कथन कर सकते हैं करते हैं, लेकिन समझना स्वयं को होगा। वचन केवल उसको बता सकते हैं, देखना स्वयं को होगा। और वही तत्व गुण पर्याय आदि के विवरण करो तो सैकड़ों शाखा स्वरूप में परिणम जाता है। क्या अब देखो, जैसे अब द्रव्य है, द्रव्य में दो प्रकार के गुण है, सामान्य है विशेष है, फिर विशेष गुण भी स्वभाव है विभाव गुण है, जैसे पर्याय भी अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय, फिर अर्थ पर्याय स्वभाव व्यंजन अर्थ पर्याय विभाव अर्थ पर्याय, फिर व्यंजन पर्याय भी दो प्रकार की स्वभाव व्यंजन पर्याय विभाव व्यंजन पर्याय। ये सब मालूम है आप लोगों को, स्वभाव व्यंजन पर्याय क्या होती है, विभाव व्यंजन पर्याय क्या होती है, स्वभाव अर्थ पर्याय क्या होती है, विभाव अर्थ पर्याय क्या होती है, अर्थ पर्याय क्या होती है, व्यंजन पर्याय क्या होती है, किसको मालूम है अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय की डेफिनेशन, किसको याद है? बोलिए अनिता जी। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। हाँ, और अर्थ पर्याय और उसके अलावा बाकी गुणों के पर्याय को अर्थ पर्याय। हाँ, प्रदेशत्व गुण के सिवाय अन्य गुणों की जो पर्याय है विकार है विशेष अवस्था उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। बहुत बढ़िया। प्रदेशत्व गुण से क्या होता है, क्यों प्रदेशत्व गुण से क्या होता है, प्रदेशत्व गुण मालूम है किसी को, किसको मालूम है प्रदेशत्व गुण? बोलिए अनिता जी, क्या है प्रदेशत्व? वस्तु का कुछ एक आकार होता है। हाँ, उसकी परिभाषा पूरी ख्याल में, जिस शक्ति के कारण वस्तु का आकार होता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई न कोई आकार अवश्य रहता है उसे प्रदेशत्व गुण कहते हैं। और प्रदेशत्व गुण के विकार को प्रदेश माने आकार जो होता है ना वो व्यंजन आकार रूप अवस्था व्यंजन पर्याय, और आकार के अलावा अन्य गुणों की जो अवस्था है वो अर्थ पर्याय। जैसे अभी मति शुद्ध ज्ञान है तो एक आय कौन सी पर्याय कहलाएगी, अर्थ की व्यंजन, बताओ मति शुद्ध ज्ञान कौन सी पर्याय कहलाएगी? और नर नारकादि है मनुष्य आकार रूप हो त्रियंश के आकार रूप, तो ये कौन सी पर्याय कहलाएगी? नर के आकार त्रियंश देव नारकियों के है ना पशु कुत्ता बिल्ली के आकार रूप पर्याय जो है वो कौन सी पर्याय है? और ज्ञान की जो मति श्रुत अवधि मन पर्याय जो पर्याय है वो कौन सी पर्याय है? मैंने इन दो में से कौन सी पर्याय कहलाएगी, वो कौन सी अर्थ है और कौन सी व्यंजन है?
बताओ। अरे ये तो सबको आना चाहिए, अभी समझाया। देखो आकार रूप जो पर्याय है वो व्यंजन है, और आकार के अलावा अन्य गुणों की जो पर्याय है वो अर्थ पर्याय है। एक चीज और है, देखो पर्याय किसे कहते हैं, मेरे को लग रहा है और पीछे जाएंगे अपन तब आएगा। पर्याय किसे कहते हैं, किसको मालूम है पर्याय की परिभाषा? महावीर भगवान के शासन काल में जी रहे अपन। पर्याय किसे कहते हैं, बोलो अभिषेक। गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। हाँ, गुणों के परिणमन को, उनकी अवस्थाओं को जो है वो पर्याय कहते हैं। गुणों का जो परिणमन है वो पर्याय है ना। गुण कितने आत्मा में? अनंत। अनंत गुणों की प्रति समय जो अवस्थाएं होती है वो उन गुणों की पर्याय है। तो मेरा ये कहना है कि ज्ञान गुण की भी अवस्था है ना, अभी अति शुद्ध ज्ञान अवस्था है तो ज्ञान गुण की पर्याय है। केवल ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है, अवधि ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है। ज्ञान की ऐसे दर्शन की चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन पर्याय है, ऐसे वीर गुण की है दान लाभ भोग भोग वीर रूप पर्याय, क्षयोक्षम पर्याय छाईक पर्याय, ऐसे सुख की है, ऐसे श्रद्धा गुण की है सम्यक गुण की सम्यक पर्याय, अथवा विपरीत श्रद्धान रूप मिथ्या पर्याय मिथ्यात् रूप पर्याय, ये सब पर्याय जीव की। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो पर्याय हैं इनमें से ये जो मति शुद्ध ज्ञान पर्याय है ये कौन से कौन सी पर्याय कहलाती है? अब अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय, फिर मैं एक बार बताता हूँ। अर्थ पर्याय आकार के अलावा बाकी जितनी अवस्था है वो सब अर्थ पर्याय है, और जो आकार रूप है जो दिखता आकार जैसे देह का आकार है अन्य आकार रूप जो पर्याय है कोई भी प्रतिशुद्ध गुण के निमित्त से होने वाली जो अवस्था है वो व्यंजन पर्याय है। तो अब आपको ये बताना है कि ये जो अपनी मनुष्य तिर्यंच देव नारकी की आकार रूप अवस्था है वो कौन सी पर्याय है, और मति शुद्ध अवधि ज्ञान कौन सी पर्याय है? सबके हाथ खड़े होने चाहिए यदि फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो या तो। हाँ मिंटा जी बोलिए। मति शुद्ध आदि तो अर्थ पर्याय है, और नर नारकादि मनुष्यादि व्यंजन पर्याय है। हाँ इतनी सरल सी बात हम पूछ रहे थे, वहां पे भी लोग उनके हाथ नहीं खड़े होंगे तो कब होंगे। अब इनमें अर्थ और व्यंजन पर्याय भी दो दो तरह की है, एक तो स्वभाव अर्थ पर्याय है और एक विभाव अर्थ पर्याय है। क्या प्रीति जी समझ में आ रहा है? नहीं आए तो पूछ लेना। एक स्वभाव स्वाभाविक अर्थ पर्याय जो जीव का स्वभाव है, जैसे केवल ज्ञान है वो स्वभाव अर्थ पर्याय है, वो जीव का स्वभाव है, और मति शुद्ध अवधि ज्ञान ये जीव का स्वभाव नहीं है ये विभाव है, अल्पज्ञता ये विभाव है ये स्वभाव नहीं है, मोह राग द्वेष ये विभाव है और वीतरागता ये स्वभाव है। तो मति शुद्ध अवधि ज्ञान जो केवल ज्ञान रूप नहीं है इसलिए विभाव है, विभाव रूप पर्याय कहलाएगी, वो विभाव कौन सी पर्याय कहलाएगी? विभाव अर्थ पर्याय, और केवल ज्ञान क्या कहलाएगी? स्वभाव अर्थ पर्याय, है ना। अब ये तो हुई अर्थ पर्याय स्वभाव और विभाव। अब व्यंजन में अपन स्वभाव और विभाव देखते हैं। व्यंजन पर्याय में जो स्वाभाविक आकार है तो सिद्ध भगवान का सिद्ध भगवान शुद्ध व्यंजन है, माने शुद्ध शुद्ध जीव है, तो सिद्ध पर्याय की सिद्ध भगवान की जो आकार रूप पर्याय है वो शुद्ध व्यंजन पर्याय है, और मनुष्यों की तिर्यंचों की देवनारकियों की जो आकार रूप पर्याय है वो सब विभाव व्यंजन पर्याय है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? हाँ प्रीति जी आ रही समझ में? सर ये सेकंड वाला नहीं समझ आया। देखो व्यंजन जो शरीर के साथ में जो हमारे आकार बनता है आत्मा का वो विभाव रूप है, और जो शुद्ध आत्मा का आकार है वो स्वभाव रूप। यानी हमारा अभी जो आकार है वो विभाव रूप है। अभी जो हमारा आकार है ये विभाव रूप है, ये हमारा शरीर के निमित्त से ना, ये देह के संबंध से आकार, और बिना देह के
जो आत्मा का स्वाभाविक जो शुद्ध परद्रव्य के संयोग से रहित जो आत्मा अकेला है वो शुद्ध पर्याय है। पर के संयोग का नाम अशुद्धता है, देह का संयोग अशुद्धता है, देह के बिना जो पर्याय है वो शुद्ध पर्याय है। वो सिर्फ सिद्धों का ही होगा, सिद्धों की शुद्ध पर्याय होती, केवल व्यंजन पर्याय शुद्धों की होती, बस शुद्ध व्यंजन पर्याय जो सिद्धों का जो आत्म प्रदेशों का आकार है केवल वही। और जितने भी संसारी जीवों के जो आकार रूप पर्याय है वो सब विभाव व्यंजन पर्याय है। सिद्धों को छोड़कर सब संसारियों की जो आकार रूप पर्याय वो विभाव कहलाएगी, और सिद्धों की जो आकार रूप पर्याय वो स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब इसमें केवल स्वभाव व्यंजन में तो चल जाएगा, लेकिन अर्थ पर्याय में केवल ज्ञान है वो स्वभाव अर्थ पर्याय है। तो केवल ज्ञान सिद्धों में ही नहीं है, अनंतों में भी है। तो अनंतों के भी स्वभाव अर्थ पर्याय है, विभाव स्वभाव अर्थ पर्याय, उनके अर्थ पर्याय में विभाव बना नहीं है। ज्ञान की जो पर्याय है वो उनकी शुद्ध प्रकट हुई है, केवल ज्ञान शुद्ध पर्याय है। और अनंतों के बिना अन्य जो सामान्य संसारी जीव है हम आप, हमारे मति शुद्ध ज्ञान है, तो ये ज्ञान की विभाव रूप अवस्था है। अपूर्णता है ना, ज्ञान पूर्ण नहीं है, तो ये विभाव है, इसको विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। हमारा अर्थ पर्याय भी विभाव रूप है और व्यंजन पर्याय भी विभाव, सिद्धों के दोनों स्वभाव रूप है और अनंतों के अर्थ पर्याय स्वभाव रूप है। ठीक है, ये अब इसके और भी भेद कर सकते हैं अपन पर्यायों के, और क्या द्रव्य पर्याय, गुण पर्याय, फिर समान जाति असमान जाति, एक द्रव्य अनेक द्रव्य, अरे इतने भेद करना चाहे उतने के भेद कर सकते हैं। क्या सैकड़ों शाखा रूप में तत्व का निरूपण किया जा सकता है। देखो अब आगे चलते हैं अपन, थोड़ा भावार्थ पढ़ते हैं। पढ़िए अल्पा जी भावार्थ जी। भैया स्क्रीन भावार्थ, जिस प्रकार एक वृक्ष शाखा प्रशाखाओं के कारण अनेक भेद रूप हो जाता है, उसी प्रकार यद्यपि निश्चय ऐसे आत्मा अवाच्य तथा एक है, तथापि व्यवहार ऐसे वह वाच्य अर्थात वचन द्वारा वर्णन करने योग्य है, तथा गुण पर्याय आदि भेदों से अनेक प्रकार का कहा जाता है। हाँ, जैसे एक वृक्ष शाखा प्रशाखाओं के कारण अनेक भेद रूप हो जाता है, उसी प्रकार यद्यपि निश्चय ने से आत्मा अवाच्य एक है क्या, तथापि व्यवहार ने से वो वाच्य अर्थात वचन द्वारा वर्णन करने योग्य और गुण पर्याय आदि भेदों से अनेक प्रकार का कहा जाता है। जैसे एक वृक्ष अनेक शाखाओं प्रशाखाओं से बहुत विस्तृत और अनेक भेद रूप हो जाता है, कि भाई ऊपर का पेड़ नीचे का इस शाखा उस शाखा का कितने भेद प्रभेद रूप हो गया, ऐसे ही वही तत्व जब हम वर्णन करने जाते हैं तो गुण पर्याय आदि भेदों से अनेक प्रकार का कहा जाता है। क्या निश्चय ने से तो एक है, जैसे वृक्ष तो एक ही है लेकिन शाखा उपशाखाओं से अनेक भेद रूप है, ऐसे निश्चय ने से तो वस्तु अवाच्य एक रूप है, और व्यवहार से मतलब कथन हम करेंगे अब उसका समझाने के लिए, तो समझाने में खूब विस्तृत वर्णन होगा उसका, गुण पर्याय के भेदों से वो बहुत विस्तृत वर्णन किया जा सकता है, गुण पर्याय के भेदों से मतलब बहुत विस्तार को प्राप्त हो जाता है। अब आगे क्या कहते हैं, देखो व्यवहार नए भी कथनचित उपादे, यद्यपि शुद्ध नए वस्तु के स्वरूप का निरूपण करता है, और यद्यपि शुद्ध नय का अवलंबन करके ही जीव सम्यक को प्राप्त करता है, भूतार्थ नय के आश्रय से सम्यक दृष्टि होता है, लेकिन वो भूतार्थ नय तक पहुंचाता तो व्यवहार नय है, इसलिए व्यवहार नय भी उपादेय। क्या शुद्ध नय तक पहुंचाने वाला कौन है, इस अपेक्षा से व्यवहार नय की भी उपयोगिता है, और क्योंकि जिनागम में दोनों ही नयों का उपदेश है, यदि सर्वथा हे होता तो उसका उपदेश ही नहीं दिया जाता। तीर्थ की प्रवृत्ति समझने समझाने की प्रवृत्ति व्यवहार के बिना संभव नहीं है, इसलिए व्यवहार भी उपादेय। पढ़िए अनिता जी।
मुख्योपचार विव्रतिम व्यवहारोपायतो यत संत ज्ञात्वा श्रयन्ति शुद्धं तत्त्वमिति व्यवहति पूज्या। पढ़िए मिंटा जी। नए व्यवहार मार्ग से ही बुद्ध जाने मुख्य और उपचार, इससे शुद्ध तत्व का आश्रय अतः पूज कहते व्यवहार। देखो मैंने कहा था ना, इससे ही तो शुद्ध तत्व का आश्रय लिया जाता है। ये नहीं होता तो शुद्ध तत्व तक पहुंचाता कौन? मुख्योपचार विवृत्तिम, मुख्य और उपचार की जो वर्णन है, वृत्ति है, वो व्यवहार के उपाय से यथा संत, चूंकि वो व्यवहार के उपाय से होती है। मुख्य और उपचार का व्यवहार व्यवहार नहीं से होता है, और इसको ज्ञात्वा, इसको जानकर शुद्धम श्रयंती, शुद्ध को प्राप्त करते हैं। तत्वम इति व्यवृत्ति पूज्या, तत्व को इति व्यवृत्ति, इसलिए व्यवहार भी क्या है, पूज्य है। देखो इसका अर्थ पढ़ते हैं और समझ में आएगा। आप लोग पूछते नहीं हो तो पूछो, इसमें खूब बातें हैं। क्या देखो अर्थ पढ़ते हैं तो अपन और क्लियर होगा। एक बार हाँ अर्पिता जी पढ़िए, बहुत दिनों बाद दिखे हम। हाँ अर्थ, जो मुख्य जो शुद्ध नय जिसमें उपचार से जिनका विवरण है, ऐसे व्यवहार नय की सहायता से सज्जन पुरुष शुद्ध तत्व का आलंबन करते हैं, अतः व्यवहार नय भी पूज्य ही है। हाँ क्या कहा, मुख्य जो शुद्ध नय उसमें उपचार से जिसका विवरण है, जो शुद्ध नय है, मुख्य तो शुद्ध नय है और उपचार से जिसका विवरण है ऐसा व्यवहार नय, फिर उस व्यवहार नय की सहायता से ही सज्जन पुरुष शुद्ध नय का अवलंबन करते हैं। माने यदि निश्चय नय अकेला होता तो वो हमें समझ में ही नहीं आता। बिना व्यवहार की सहायता लिए वस्तु स्वरूप को समझ पाना मुश्किल है, इसलिए व्यवहार नय की सहायता लेकर जीव शुद्ध नय को समझते हैं, उसका अवलंबन करते हैं। इसलिए व्यवहार नय भी पूज्य है, उसको भी सर्वथा है नहीं कहा, क्योंकि वो हमें वहां तक पहुंचाता है, इसलिए वो भी पूज्य है। देखिये मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि यद्यपि जो देखो जो छिलका है, छिलका केले का, वो केला नहीं है, खाने योग्य वो नहीं है, लेकिन फिर भी उस छिलके की भी कोई उपयोगिता है कि नहीं है बताओ? अरे वो छिलका नहीं हो तो आप बाजार से केला ला नहीं सकते हो, घर में ला सकते हो, 5 मिनट भी नहीं ला सकते हो आप। क्या वो छिलका ही केले को सुरक्षित रखता है? यदि छिलका ना हो तो केला सुरक्षित नहीं बचे। तो बताओ यद्यपि छिलके में कोई दम नहीं है, उसके कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो केले के साथ है, केले तक पहुंचाता है, केले अंदर के माल को प्राप्त कराता है, तब तक वो भी बराबर केले के भाव बिकता है क्या? इसलिए उसकी उपयोगिता है, और सारी चीजों को सहन करके अंदर के माल को सुरक्षित कौन रखता है? वही तो रखता है, आप तो सीधा माल खाओगे, लेकिन उसको माल को सुरक्षित किसने रखा, वहां तक पहुंचाया किसने बताओ? अंदर के कच्चे को पक्का बनाया किसने? उस छिलके नहीं बनाया, वो छिलका नहीं होता तो अंदर का सड़ गया होता पक्का। समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ऐसे ही व्यवहार में जो है उसकी सुरक्षा करता है, शुद्ध निश्चय नहीं की मतलब वहां तक पहुंचाता है अपने को। जैसे क्या है, अभी अपन को एकदम कोई भी चीज है एकदम अत्यंत उत्कृष्ट बात अपने को समझ में नहीं आती, तो अपन पहले क्या करते हैं, अपन धीरे धीरे सरल भाषा में जो अपने को समझ में आए उससे समझते हैं अपन। यद्यपि वो सरल भाषा से जो निरूपण कर रहे हैं वो आपकी भाषा से कर रहे हैं, मतलब वो उसमें वो नहीं है, वो उत्ती भाषा की सोष्ठवपना और जो गंभीरता है वो नहीं। लेकिन यदि बहुत भाषा को गंभीर सोष्ठव बना दे, समझ में ही नहीं आए। ऐसे
शुद्ध निश्चय ने से वस्तु का अखंड अभेद निरूपण करें, समझ में नहीं आएगा। तो हम समझाने के लिए जो आपको समझ में आए उस अपेक्षा से वैसा वर्णन करते हैं। उसमें कभी कभी क्या होता है कि वस्तु स्वरूप जैसा है एकदम, क्या वो जैसा है वैसा का वैसा कथन नहीं भी हो, लेकिन समझ में आके और हम वहां तक पहुंच पाए जिससे कि हम जैसा है वैसा का वैसा समझ पाए, मैंने व्यवहार नय की मदद लेके यदि हम शुद्ध नय को समझ पाए तो व्यवहार नय हमारे लिए कार्यकारी होगी। बताओ, बस की सहायता से यदि हम स्कूल पहुंच रहे हैं, बस हमारे लिए कार्यकारी। यद्यपि बस स्कूल नहीं है, बस में बैठ के नहीं पढ़ लेंगे हम, लेकिन बस वहां तक पहुंचा रही है ना। ऐसे व्यवहार नय हमको शुद्ध नय तक पहुंचाते हैं, इसलिए वो भी क्या है, पूज्य है, कार्यकारी है। देखो भावार्थ को पढ़ते हैं। पढ़िए वंदना जी, पढ़िए भावार्थ। यह भली भांति अनुभव में आता है कि जन्म लेते ही जीव इतने बुद्धिमान नहीं होते कि वे बिना प्रयास के ही मूल तत्व को समझ लेवे, किंतु उपदेश आदि के बल से ही उनको मूल तत्व समझाया जाता है तथा मूल तत्व के स्वरूप को व्यवहार नय का अवलंबन करके ही समझाया जाता है। इसलिए असली तत्व के आश्रय करने में व्यवहार नय भी कारण होने से पूज्य ही है, हे नहीं। क्या कहा, मूल तत्व के स्वरूप को व्यवहार नय का अवलंबन करके ही समझाया जाता है। तो कोई जन्म से कोई अपन तत्व समझ के तो आए नहीं है क्या, कि जन्म से ही बिना प्रयास के ही अपन प्रत्येक बुद्ध हो, बोधित बुद्ध हो, स्वयं प्रत्येक बुद्ध, स्वयं बुद्ध, क्या ये विद्या तो है नहीं ना अपने को, है क्या? क्यों, कौन कौन प्रत्येक बुद्ध है अपने में से? कोई नहीं, कोई नहीं है, स्वयं बुद्ध भी कोई, मतलब वो कोई नहीं है। तो इसलिए हमें तो समझ में किसी के उपदेश आदि से ही हमें वस्तु स्वरूप समझ में आता है, और उपदेश को समझने के लिए हमको व्यवहार का अवलंबन लेना पड़ता है, क्योंकि निश्चय नहीं का अवलंबन लेकर सीधे समझाया जाया है तो उससे क्या होगा, आदमी को समझ में नहीं आएगा तो और अरुचि हो जाएगी। इसलिए पहले जो उसको समझ में आए इसे व्यवहार का अवलंबन लेकर तब तो समझाया जाता है क्या, और फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे वो वस्तु स्वरूप तक पहुंचता है तब उसको बोल देते हैं कि जिससे हमने समझाया है वो व्यवहार है, मूल वस्तु स्वरूप तो ऐसा है, असली तत्व तक पहुंचाने में व्यवहार ने कार्यकारी, इसलिए वो भी पूज्य है, हे नहीं है। इसके लिए अभी उदाहरण दे सकते हैं हम, भाई जो हमको पहुंचाने, यद्यपि देखो मूल वस्तु स्वरूप तो अद्भुत ही है, लेकिन जो जो उस तक हमको पहुंचाने में हेल्प करता है हम उसका ही उपकार मानते हैं ना। जैसे हमें जाना तो भाई मंदिर में ही है, मंदिर में ही हमारा कल्याण है, ठीक है, लेकिन मंदिर तक पहुंचाने में भी जो हमारे लिए उपकारी होते हैं हम उसका भी उपकार स्मरण करते हैं कि भैया ये हमको गाड़ी से छोड़ देता है, ये हमको कम से कम सहायता कर देते हैं, ये मंदिर खोल देते हैं। प्यास को भी 100 रुपये देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं देते हैं, दे देना चाहिए, क्योंकि वो भी अपने को हेल्प कर रहा है ना, वहां तक अंदर दर्शन कराने में, दरवाजा खोल देता है अपने लिए, अपन जाते हैं तो भगवान के आराम से जन भक्ति अच्छे से हो जाती है। तो इसलिए वो यद्यपि वो कोई वस्तु नहीं है, लेकिन फिर भी उस तक पहुंचाने के लिए वो हमारे लिए सहायता करने से उसको भी हम जो है कथनचित उपादेय मानते, हे नहीं मानते। अब आगे फिर क्या कह रहे, देखो फिर वापिस से पहले एक जगह किसी को चढ़ाते हैं, फिर उसको उतार देते हैं, व्यवहार की प्रशंसा करी, अब फिर कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, नाश संसार का नाश करने वाला तो निश्चय ही है, निश्चय रत्नत्रय से ही संसार का नाश होगा। देखो पढ़ते हैं, हम पढ़िए प्रीति जी। आत्मनि निश्चय बोध स्थित्यो रत्नत्रयं भक्षत्ये भूतार्थ पथ प्रस्थित बुद्धिरात्मेव तात्रित्यम् तत्त्वितयम् पढ़िए। तत्त्वितयम्
आत्मदर्श अवगम स्थिति रत्नत्रय ही भव क्षय करता निश्चय आश्रित आत्मा ही। क्या कहा देखो, आत्मनि निश्चय, आत्मा का निश्चय, निर्णय करना, आत्मनि बोध, आत्मा का बोध माने ज्ञान करना, और आत्मनि स्थिति, आत्मा में स्थिति करना, ये रत्नत्रय है। और ये भव क्षते, ये भव की क्षति के लिए, माने भव माने संसार के, क्षति माने नाश के लिए। भूतार्थ पथ, भूतार्थ मार्ग पर प्रस्थित जो स्थित है बुद्धे, भूतार्थ पथ स्थित बुद्धे, क्या आत्मे बुद्धे तत्त्वितयम्, भूतार्थ मार्ग में स्थित आत्मा की बुद्धि ही उन रत्नत्रय रूप है। क्या कह रहे हैं, जिन जीवों की बुद्धि भूतार्थ मार्ग में स्थित है वे ही रत्नत्रय तत्त्वितयम्, वही रत्नत्रय स्वरूप। है ना, देखो पढ़ते हैं अपन, अर्थ समझ में आएगा अच्छे से। पढ़िए ममता जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, कहीं बाहर हो क्या आप आजकल, कहाँ हो? हाँ मैं बाहर हूँ अभी, मंदिर में। अच्छा, दिख रहा है आपको? पढ़ लो यदि दिख सकता हो तो। आत्मा में जो निश्चय बोध स्थिति रूप रत्नत्रय है, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, वह संसार नाश का कारण है। वह रत्नत्रय कोई अन्य पदार्थ नहीं, किंतु जिन भव्य जीवों की बुद्धि उदार्थ मार्ग में स्थित है, अर्थात शुद्ध निश्चय का आश्रय करने वाले हैं, उन भाग्य जीवों की आत्मा ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप है। हाँ, आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बिल्कुल वास्तव में बिल्कुल बाहर कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फिर भी आप सुन रहे हो ये बड़ी, मतलब ट्रेवलिंग करते करते क्लास अटेंड कर रहे हैं। देखो, आत्मा में जो निश्चय है, माने आत्मा का जो निश्चय है, निर्णय है, वही सम्यक दर्शन है। आत्मा का जो बोध माने ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में जो स्थिति है वो सम्यक चैतन्य है। ये तीन रत्नत्रय हुए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैतन्य, और ये संसार के नाश के कारण है, भव क्षते, भव की क्षति के लिए। अब वो रत्नत्रय कोई अन्य पदार्थ नहीं है, देखो आत्मा ही रत्नत्रय है। क्या जिनकी आत्मा आत्मा का निश्चय कर रही है, आत्मा का ज्ञान और आत्मा में स्थिति है, माने जो अपने निज आत्मा में स्थित है, उनकी आत्मा ही रत्नत्रय है। और वो किनकी स्थिति है, कौन रत्नत्रय में स्थित है, कौन आत्मा में स्थित है, कि जिनकी बुद्धि भूतार्थ मार्ग में स्थित है। भूतार्थ माने सच्चा शुद्ध नय का अवलंबन करने वाले, ऐसे परमार्थ रूप भूतार्थ मार्ग में जिन भव्य जीवों की बुद्धि स्थित है, क्या अर्थात शुद्ध निश्चय नय का जिनकी आश्रय करने वाली है जिन जीवों की बुद्धि, उन भव्य जीवों की आत्मा ही रत्नत्रय है। जिनकी बुद्धि रत्न, जिनकी बुद्धि निश्चय नय के मार्ग में स्थित है, शुद्ध निश्चय नय का आश्रय करती है जिनकी बुद्धि, वो वास्तव में शुद्ध निश्चय नय का आश्रय करने का मतलब ये नहीं है उसका बस उसकी चर्चा, उसका 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 वास्तव में अपने को बल हो, उसकी श्रद्धा हो। मैं तो कहता हूँ शुद्ध निश्चय नय का अवलंबन उसको होगा जिसने अपने आत्मा को परद्रव्य से भिन्न जाना होगा, तो शुद्धता को उसने शुद्ध निश्चय नय का आश्रय किया। तो सचमुच देह आदि परद्रव्यों से भिन्न अपने स्वरूप का जो अनुभव करता है, उसने शुद्ध नय का आश्रय लिया। और जो अपने को परद्रव्यों से संयुक्त अनुभव करे, उसने अभी शुद्ध निश्चय नय का आश्रय नहीं किया, और वो आत्मा भी रत्नत्रय रूप नहीं है। क्या शुद्ध निश्चय नय का आश्रय लेना माने उस रूप अपने को अनुभव ना, वैसा अपने को मानना जानना और वैसे ही अपने में स्थिति करना। अन्यथा शब्द में तो हम बोल देंगे आत्मा केवल ज्ञान पर्याय से ही भिन्न है, क्या पर्याय मात्र से जुदी है,
फिर उससे काम नहीं चलेगा। पर्याय मात्र से जुदी से बहुत आगे की बात है, उसके पहले की जो बात है कि देह आदि से भिन्न है, राग से भिन्न है, इस बात पे अपना श्रद्धान हुए तो अपना कार्य चलेगा। अपन मां तो अपन माने नहीं, राग को अपना माने, धन को अपना माने, परिवार को अपना माने और कहे हम शुद्ध न्याय का आश्रय लेने वाले। शुद्ध न्याय का आश्रय का क्या अर्थ होता है ये तुम अभी समझे ही नहीं है। शुद्ध न्याय का आश्रय मतलब अपने आत्मा की परद्रव्यों से भिन्न अनुभूति करना, उसका नाम शुद्ध निश्चय न्याय का आश्रय है। क्या केवल केवल शुद्धता की बात नहीं, अपने को शुद्ध परद्रव्यों से भिन्न अनुभवना। क्या नहीं तो हम पर्याय को भी भिन्न करते हैं और रुपए पैसे से अभिन्न ले जाते हैं। पर्याय भिन्न है हमारे लिए और रुपया पैसा तो अरे वो तो हमारा है पंडित जी, वो हमने मेहनत करके किया है। कैसे भैया पैसा तेरा है और पर्याय पर्याय किसकी है? पर्याय किसकी है? पर्याय तो पर्याय के प्रदेश ही अलग है, आत्मा के प्रदेश अलग है। पर्याय के प्रदेश अलग है तो पर्याय किसमें हो रही है? तो वो अतिरेक मैं कहता हूं जो आप जितना करते हो ना उतना भी आप मान लोगे ना धर्म तो आपका कल्याण हो सकता। मानने की बात है, हम मानते नहीं है ऐसा। चर्चा वार्ताओं में तो बराबर है, सब कुछ भिन्न है लेकिन मानने के लिए सब अभिन्न है तो उससे काम नहीं होगा। शुद्ध निश्चय का आश्रय करने का मतलब है कि अपने को वैसा अनुभवना, अपने को ऐसा मानना, परम रत्न त्रय स्वरूप मतलब परणम होना, परम रत्न त्रय स्वरूप परणमने का नाम है रत्न शुद्ध निश्चय का आश्रय लेना। क्या रत्न त्रय रूप जो परणमा है उसने शुद्ध निश्चय का आश्रय लिया। देखो भाव पढ़ते हैं परम ये रिजुल जी जैन 288 रिजुल जैन जो भी है नहीं तो अमिता जी जैन पढ़िए भावार्थ। जो भव्य जीव सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्रमय रत्नत्र स्वरूप आत्मा का ध्यान करते हैं वे समस्त दुखों से छूट जाते हैं और मुक्ति को जाते हैं। इसलिए मोक्ष विलासियों को अवश्य ही रत्नत्र स्वरूप आत्मा की आराधना करना चाहिए। बहुत बढ़िया। जो भव्य जीव रत्नत्र स्वरूप अपनी निज आत्मा का ध्यान करते हैं तो सारे दुखों से छूट जाते हैं, मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मुक्ति के अभिलाषियों को अवश्य ही रत्नत्र स्वरूप आत्मा की आराधना करनी चाहिए, अपने निज स्वरूप की आराधना करनी चाहिए, अन्य परद्रव्य की आराधना नहीं करनी चाहिए। देखो अब आगे क्या कहते हैं, रत्नत्र ही आत्मा का अखंड रूप है। रत्नत्र है वही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। रत्नत्र के अलावा अन्य कोई वास्तविक स्वरूप आत्मा का नहीं। आत्मा आत्मा को जाने, आत्मा आत्मा को आत्मा 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 को माने। बोलो क्या कह जाए रत्नत्र आत्मा आत्मा को माने। क्या आत्मा है? मैं आत्मा हूँ। आत्मा अपने को आत्मा माने यही सम्यक दर्शन है। आत्मा अपने को आत्मा जाने यही सम्यक ज्ञान है। और आत्मा आत्मा में स्थिर हो जाए यही सम्यक चरित्र। अब बोलो ये नहीं करोगे, अपनी खुद की कीमत अपने को नहीं करोगे तो मुक्ति कहां से मिलेगी? परद्रव्यों से उलझे रहोगे। जो अपनी कीमत करते हैं वे अपने स्वरूप हो जाते हैं और जो परद्रव्य से संयुक्त रूप अनुभवते हैं वे परद्रव्य के ही संयोग में बने रहते हैं। हम देह के संयोग रूप अपने को अनुभवते हैं तो देह के संयोग रूप ही बने रहते चलता रहता। ये तो क्या है, भगवान जिनेन्द्र का उपदेश मिला, इससे अपने को पता चला कि हम इस शरीर के बंधन में, कर्मों के बंधन में हमारी अपनी शक्ति क्या है और वो कैसे छिपी हुई है। हम केवल ज्ञान स्वभाव के धनी हैं, हम अनंत सुख के धनी हैं और ये इंद्रियों ने हमारे ज्ञान रूपी निधि को लूट रखा है। इस मोह ने हमको दुखी कर रखा है। मोह की वजह से हम संसार में जबरदस्ती परद्रव्य में अपना करके और यूं ही दुखी हो रहे हैं व्यर्थ में अज्ञान से। ये सब बातें भगवान की वाणी सुन के समझ में आती है कि ये हम कैसे बंधन है। ये सब ये देह के बंधन में आत्मा फंसी है
और आत्मा बिल्कुल पृथक है इससे, ये सब बातें का पता चलती है जिन वाणी का अवलंबन लेने के बाद, भगवान जिनेंद्र की वाणी के बाद। ये तो हम तो यही समझते हैं भैया अपन तो अपन ये है, ये शरीर है अपन, और शरीर की सेवा करनी चाहिए, सुबह से जो है ना काम करना चाहिए अच्छे से, शरीर आद्यम खलु, और बस जो भी करेंगे मंदिर भी जाएंगे तो शरीर के लिए जाएंगे। अज्ञानी धर्म भी करता है तो वो अपने भोग के लिए करता है, शरीर के लिए करता है, शरीर स्वस्थ बनाने मंदिर जा रही हूँ क्योंकि कोरोना नहीं आ जाए। अरे तू ये जा इसलिए मंदिर की मेरे को शरीर ही नहीं मिले, नहीं लगता अपने को कि अपनी आत्मा अमूर्ति के उस देह के अंदर खेत सी हो गई है, ऐसा लगता नहीं है। आत्मा आत्मा में वास करे, आत्मनिकेतन, आत्मनिकेतन अच्छा है कि छावड़ा निकेतन अच्छा है? नाम रखेंगे वाका छावड़ा मेंशन क्यों? अरे आत्मा में अकेले में वास करो, किसी शरीर में ही वास करना को शोभा नहीं देता, तो मकान में वास करना कौन सा शोभा देता? लेकिन हम तो बिल्कुल नाम लगते हैं मकानों का भी, क्या मोदी हाउस, मोदी हाउस, प्रकाश निवास, लेकिन ये सब कोई आत्मा में निवास करना ही सच्चा अच्छा निवास है। आत्मनिकेतना है, मालूम आपको सिद्ध चक्र विधान में एक दोहा है इसका, स्व प्रदेश में बसत है, अपने निज प्रदेशों में बसते हैं, आत्मनिकेतनाए आत्मा के घर में बसते हैं, वो सच्चा घर है। ये तो सब घर तो ही नहीं, ये कोई घर है क्या? ये शरीर का घर ही कैसा घर है? कितनी सेवा करनी पड़ रही है बताओ, ऐसी होटल के ऐसी काम की जिसकी होटल के कमरे की सेवा करनी पड़े सुबह शाम, ऐसी देह किस काम की जिसकी सुबह से उठ के सेवा करनी चालू करने पड़ जाती। कई कई लोग तो रात तक सेवा करते हैं, डर डर घिसा करेंगे रात को घिसके सोते ना, ये घिसके सोना चाहिए उसका मना नहीं है, लेकिन सेवा करनी पड़ रही कि नहीं करनी पड़ रही, बात तो ये है। पेट में डालना पड़ रहा है, ठंड में पेट में नहीं डाले, प्रवचन समझ में ही नहीं आए किसी को, कुछ क्या कह रहे हैं, मन ही नहीं लगे क्यों? जब तक पेट में अन्न है और वो भी ज्यादा हो जाए तो नींद आने लग जाए, और नहीं हो तो भी मन नहीं लगे, कितनी गजब बात है। खाने में बहुत कम खाए तो दिक्कत, ज्यादा खाए तो दिक्कत, नहीं खाए तो दिक्कत, बोलो दिक्कत है, दिक्कत है शरीर के साथ। शरीर के अंदर सारे केमिकल, आपको मालूम एक रेंज होती है, उस रेंज में होना चाहिए हर चीज। कम हो जाए तो दिक्कत, ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो दिक्कत, ज्यादा हो जाए तो दिक्कत, क्या है, हार्ट की बीट्स कम ज्यादा हो जाए दिक्कत, हर चीज की रेंज है। बेचारा शरीर भी क्या क्या करे, डॉक्टर ने रेंज बांध दी, भाई इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना, ब्लड इससे ज्यादा हो तो दिक्कत, तो भी मर जाता आदमी, ज्यादा हो तो भी, और कम वाले भी मर रहे हैं, दोनों तरफ मर गया बेचारा। अब इतना मेंटेन करे बेचारा, एकदम बीच में रहना चाहिए। हर चीज शरीर के अंदर हजारों टेस्ट होते हैं, हर चीज बीच में आनी चाहिए, इधर हो तो दिक्कत, उधर हो तो दिक्कत, दिक्कत है दिक्कत है। आत्मस्वरूप में कुछ नहीं है सब, आत्मा की तो बात ही अलग है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो आत्मा का ध्यान करते हैं दुखों से छूटते, मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए मुमुक्षुओं को, मोक्षाभिलाषियों को रत्नत्रय स्वरूप आत्मा की आराधना करनी चाहिए और सबकी आराधना छोड़ देना चाहिए। अब आगे क्या कहते हैं देखो, रत्नत्रय ही आत्मा का अखंड रूप है। क्या कह रहे हैं? रत्नत्रय ही आत्मा का अखंड वास्तविक रूप है। पढ़िए ममता जी, अनिता जी। सम्यक सुख बोध दृशाम त्रितयम् अखंडम परात्मनो रूपम तत्र तत्परो य स एव तल्लब्धि कृत कृत्य। सम्यक दर्शन ज्ञान सुखत्रय अखंड हे परमात्म स्वरूप परमात्मा में लीन रहे जो वे होते कृत कृत्य स्वरूप। हाँ क्या कहा देखिए,
सम्यक सुख बोध दृशाम, सम्यक सुख बोध और दृष्टि, सम्यक माने सच्चा, सुख बोध माने ज्ञान और दृशाम माने दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक सुख, ये तीनों मिलकर अखंड परमात्मा स्वरूप है, परमात्मा का रूप है। तत्र तत्परो या तत्र तत्पर, जो उसमें तत्पर है स एव वह ही तद लब्धि, उसको प्राप्त करके कृतकृत्य कृतकृत्य हो जाते हैं। क्या सम्यक दर्शन ज्ञान और सम्यक सुखी आत्मा का स्वरूप है, और जो उस आत्मा में तत्पर हो जाते हैं वे उस आत्मा को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं। देखिए पढ़ता हूँ, अर्थ पढ़ते हैं अपना, अर्थ देखो पढ़वाते हैं किस तरह। हाँ अंजना जी पढ़िए। अर्थ सम्यक दर्शन भावार्थ, आत्मा की आराधना कर, आत्मा की आराधना करने वाले मनुष्यों को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि सम्यक दर्शन आदि आत्मा से भिन्न नहीं बल्कि आत्मा के ही अखंड स्वरूप है। सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति से वे मनुष्य कृतकृत्य हो जाते हैं, अर्थात उन्हें संसार में कोई भी कार्य शेष नहीं रहता। इसीलिए जो मनुष्य कृतकृत्य होना चाहते हैं उनको अवश्य ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करना चाहिए। इसका अर्थ नहीं हुआ था, ऐसे कहाँ हुआ था इसका अर्थ? अर्थ पढ़िए पहले अंजना जी, एक मिनट अर्थ वापिस से पढ़ लो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये तीनों आत्मा के ही अखंड रूप हैं। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि जो पुरुष परमात्मा में लीन है अर्थात परमात्मा के आराधक है उनको सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति होती है और वे कृत्य कृत्य हो जाते हैं। तो क्या कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चायत्र ये तीनों आत्मा के ही अखंड रूप है, तीनों आत्मा ही है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि जो पुरुष परमात्मा में लीन है माने अपने आत्म स्वरूप में लीन है अर्थात परमात्मा के आराधक है, आत्मा के अपने निज आत्मा के आराधक है, उनको ही रत्नत्रय की प्राप्ति होती है और वे कृतकृत्य हो जाते हैं। रत्नत्रय को प्राप्त करके अब कुछ प्राप्त करने योग्य नहीं रहा, सब जो पढ़ने योग्य प्राप्त था सब कर लिया। क्या ये कह रहे हैं, ये तीनों आत्मा के अखंड रूप है रत्नत्रय। इसलिए जो आत्मा में लीन है आत्मस्वरूप की आराधना करता है वो वास्तव में आत्मस्वरूप को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है। देखो भावार्थ एक बार फिर से पढ़ते हैं। आत्मा की आराधना करने वाले मनुष्यों को रत्नत्रय की प्राप्ति होती है, क्योंकि आत्मा ये सम्यक दर्शन आदि कोई आत्मा से भिन्न नहीं है, आत्मा के अखंड स्वरूप। जो आत्मा की आराधना करेगा तो आत्मा की आराधक ही रत्नत्रय स्वरूप आत्मा है, आत्माराधक ही सम्यक दर्शन है, आत्माराधक ही सम्यक ज्ञान है और आत्माराधक ही सम्यक चारित्र है। तो आत्मा का ही स्वरूप है, आत्मा जो जीव अपने निस्वरूप में स्थिति करता है, उसमें रुचि करता है, उसको ज्ञान करता है, वो आत्मा ही रत्नत्रय है और उस रत्नत्रय से जीव क्या हो जाता है, कृतकृत्य हो जाता है। माने उससे उसको उसके बाद में उसको कोई काम करना नहीं रहता, उसके सारे काम दुनिया के हो गए। क्या उसको जो प्राप्त करना था सब प्राप्त कर लिया, उसको कोई कार्य की कोई चीज की प्राप्ति करना ऐसा लगता ही नहीं कि मेरे को कुछ प्राप्त करना शेष है। जो कुछ जगत में प्राप्त करने योग्य था उसे ऐसी अनुभूति होती है कि मैंने सब प्राप्त कर लिया, अब मुझे कुछ भी जगत में करने योग्य नहीं है। क्या इसलिए हमें रत्नत्रय की प्राप्ति करनी चाहिए और अपने निस्वरूप को, उनको किनको, जिनको अपने मुक्ति की प्राप्ति करना है उन्हें अवश्य रत्नत्रय की प्राप्ति करना चाहिए अर्थात अपने निस्वरूप की आराधना करनी चाहिए। अब देखो आगे एक गाथा, मेरे से टाइम हो गया अपना, कल करेंगे अपन, प्रश्न हो तो पूछ लीजिए।